हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप जानिए क्रेडिट डेबिट स्टेटमेंट हम इजीली एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के अंदर अपना ओपनिंग बैलेंस लिखना है। यदि आपका ओपनिंग बैलेंस जीरो है तो वहाँ पर आप जीरो जीरो टाइप कर दें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बैलेंस अपना लिख दिया है। अब आपको बैलेंस के अंदर फार्मूला लगाना है, इफ़ ब्रैकेट चालू एंड क्रेडिट की वैल्यू अगर ब्लैंक हो या डेबिट की वैल्यू ब्लैंक हो तो वहाँ पर क्या आ जाए, ऊपर का जो बैलेंस है कॉमा ऊपर का जो बैलेंस चल रहा है वो आ जाए। और यदि हम इसके अंदर क्रेडिट डेबिट कुछ डालते हैं तो ऊपर के बैलेंस में क्रेडिट तो जुड़ जाए और डेबिट अगर कुछ भी वैल्यू है तो वहाँ पे माइनस हो जाए। तो देखिए मैंने फार्मूला टाइप कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये ड्रैग कर देना फार्मूला। अब जैसे ही आप यहाँ पर डेट वाइज अपना डिस्क्रिप्शन डालते जाएंगे, डेबिट क्रेडिट मैं कुछ भी वैल्यू डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चेयर लेके आया और 5000 डेबिट हुए तो देखिए 45000 ही रह गए। अब मान लीजिए मैंने सैलरी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करी, क्रेडिट में कुछ नहीं है, डेबिट अपना मान लीजिए 5000 हुई तो 15000 हुई तो ये 30000 रह गए। तो इस तरीके से आपका डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि मेरा बैलेंस कितना है। तो